हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्नव एजुकेशन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड लेक्चर एग्जाम सब्जेक्ट फिजिक्स की कट ऑफ के बारे में। हम इसके बारे में चर्चा करें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स में सीट कितनी है। फिजिक्स के लिए सीट है 187 यानी 187। देखा जाए तो ये सीट ना कम है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है। पेपर के लेवल की बात की जाए तो पेपर का लेवल है मीडियम से लेके कठिन। कट ऑफ के बारे में बात करें इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो कट ऑफ होती है वो जो सीट होती है उसके साथ तो इसका संबंध होता है, क्योंकि अगर सीट ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम आ जाती है, और अगर सीट अगर कम है तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ के साथ इस बार की कट ऑफ को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं होता है। उसके आधार पर इस बार की कट ऑफ निर्धारित भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हर बार की परिस्थिति अलग होती है, पेपर का लेवल अलग होता है, हर बार जो अफवाहें होती हैं उनकी वजह से भी जो स्टूडेंट होते हैं उनका कॉन्फिडेंस प्रभावित होता है। तो बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की कट ऑफ के बारे में। जनरल की कट ऑफ 225 से लेकर 235 नंबर रहने की संभावना है। ओबीसी की कट ऑफ 210 से लेकर 220 नंबर रहने की चांस है। ईडब्ल्यूएफ जो कि एक नई कैटेगरी आई है उसकी कट ऑफ है वो 190 प्लस माइनस 5 यानी 185 नंबर से लेकर 195 नंबर रह सकती है। एससी की कट ऑफ 180 से लेकर 190 नंबर रह सकती है, और एसटी की कट ऑफ 160 से लेके 170 नंबर रहने के चांस है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।